चुनाव और बड़े खर्च का समीकरण अब आम हो चुका है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खर्च के आंकड़े जनता की दिलचस्पी का केंद्र बने रहे। इस बार जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 50 उम्मीदवारों ने 3,42,19,698 रुपए का खर्च किया। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की थी, लेकिन कई प्रमुख उम्मीदवारों ने करोड़ों खर्च करने के बावजूद अपने खर्च को तय सीमा के भीतर ही दिखाया। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 1,27,49,304 रुपए का खर्च भंडारा विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया। साकोली विधानसभा क्षेत्र में 1,56,522 रुपए के खर्च के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं तुमसर विधानसभा क्षेत्र ने सबसे कम 76,84,568 रुपए का खर्च दर्ज किया। जानकारी के अनुसार भंडारा, साकोली और तुमसर विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए तीनों विधायकों में नरेंद्र भोंडेकर सबसे आगे रहे। उन्होंने 22,46,259 रुपए खर्च दिखाए। तुमसर के आमदार राजू कालेमोरे ने 22,29,529 रुपए, जबकि साकोली के नाना पटोले ने 21,316 रुपए खर्च किए। भारी खर्च के बावजूद कई प्रमुख उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। साकोली में भाजपा के अविनाश ब्राह्मणकर ने 22,12,027 रुपए खर्च किए। तुमसर में पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने 18,17,756 रुपए खर्च किए। भंडारा में कांग्रेस की पूजा ठौकर ने 13,86,693 रुपए खर्च किए। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।